कि हम गेट पहुंचने वाले हैं, पहुंच चुके हैं इसके एंट्री गेट पे। शानदार बना हुआ है बट हॉस्टल में कोई रहने का नहीं है, तो देख सकते हैं इनकार चुके हैं। डर डर लग रहा है थोड़ा सा, देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका पी के क्रिएटिव ब्लॉग्स में स्वागत है। आज जैसा कि हम आप देख सकते हैं, आपको एक ऐसे जगह लेके जाने वाले हैं जैसा मगध यूनिवर्सिटी का। यहाँ दो तीन ऐसे हॉस्टल हैं जिसे भूत बंगला हॉस्टल कहा जाता है, यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। जैसा देख सकते हैं मेरे जस्ट बैक साइड में आपको ये हॉस्टल जैसा दिख रहा है, ये भूत बंगला हॉस्टल है। आप पूरा हॉस्टल खाली है, आप देखिएगा इस पूरा हॉस्टल को खाली है। हम आपको अंदर लेके चलते हैं इस हॉस्टल के अंदर। बना है पर बनने के बाद आप देख सकते हैं पूरा स्टे दिखाएंगे, कोई भी आके जैसे इसमें स्टे कर सकता है, रह सकता है रात में, इसलिए इसे भूत बंगला हॉस्टल कहते हैं। जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी में अंदर आता है तो रुकने का साधन नहीं है, तो इसमें आके जिसको पता है इसमें आके एडजस्टमेंट बैठ सकता है, सो सकता है, कुछ लेके आइए सो जाइए, इसलिए इसे भूत बंगला हॉस्टल कहते हैं। तो जस्ट मेरे हॉस्टल के ब्लॉग में ये हॉस्टल है भूत बंगला हॉस्टल, क्योंकि यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड नहीं है, यूनिवर्सिटी के अंदर है बट इसको अलॉटमेंट इसमें नहीं है स्टूडेंट का रहने के लिए, क्योंकि इसकी जो बनावटी है इसे एक इंजीनियर ने पास नहीं किया है। तो आपको लेकर चलते हैं भूत बंगला हॉस्टल, आप देखें अंदर से इसका क्या लेवल है, क्या चीज़ किसमें है। अब हॉस्टल आप देखिएगा इधर, कि हम गेट पहुंचने वाले हैं, पहुंच चुके हैं इसके एंट्री गेट पे। शानदार बना हुआ है बट हॉस्टल में कोई रहने का नहीं है, तो देख सकते हैं इनकार चुके हैं। डर डर लग रहा है थोड़ा सा, देख सकते हैं तो लग रहा है बट देखिए क्या अच्छे ढंग से बनाया गया था हॉस्टल। इस हॉस्टल को आप देख सकते हैं, ये सब कमरा है, इसके जब अंदर जाते हैं तो आप देख सकते हैं ये हॉल है, कितने मस्त ढंग से बनाया गया था, देख सकते हैं सभी रूम लगा रूम, ये रूम है आप इस कम इस पे रूम है। और लेके चलते हैं आपको, देख सकते हैं बस वो दिखाए थे वो हॉल होगा, देखिए रूम ऐसा है, ये रूम है हॉस्टल के अंदर का, ये रूम है। और लेके चलते हैं ये सब इधर साइड में, देख सकते हैं सब रूम है, ये जितना भी आपको भूत बंगला हॉस्टल दिख रहा है सभी रूम है, ये देख सकते हैं ये पूरा रूम किचन है, किचन टाइप में है। आपको ऊपर ले चलते हैं, इसमें कोई भी आके स्टे कर सकता है, रह सकता है। जैसा कि हम ऊपर जाते हैं, लीगल तो नहीं अनलीगल इसमें रह सकते हैं कोई भी लोग, बट क्योंकि परमिशन नहीं है इसलिए से भूत बंगला कोई भी रह सकता है। देख सकते हैं कितना अच्छा जैसे है पूरा हॉस्टल, तो मस्त है बट अलाउट नहीं किया गया है, मुझे डर भी लग रहा है। जैसे देख सकते हैं रूम को, रूम का तो मस्त ढंग से बनाया गया है, रूम को भी देख सकते हैं इसमें लाइट नहीं फिट किया क्योंकि पास आउट नहीं हुआ, सब चीज़ किया हुआ है बट इसमें पास नहीं होगी, ये इंजीनियर पास नहीं किए हैं, तो इसकी वजह से हम आप ऊपर लेके चलते हैं। देखिए ये थर्ड फ्लोर आ चुके हैं ये हॉस्टल का, बट आप हॉस्टल को देख सकते हैं इस साइड में भी, ये पूरा बहुत मस्त हॉस्टल है बट आप रात में आके जैसे कि इसमें स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं आराम से, देख सकते हैं यहाँ पे जैसे जिनको मजबूरी होगा तो आज के स्टे कर सकते हैं, इनको पता होगा आराम से क्योंकि अच्छा अच्छा रूम है, एक चद्दर लेके आइए सो सकते हैं, बट रिक्स है क्योंकि ये भूत बंगला हॉस्टल है, रिक्सेबल थोड़ा सा चीज़ है ये क्योंकि चारों तरफ से खुला हुआ है। ओके, तो आपको आज का जो ये भूत बंगला हॉस्टल दिखाए हैं कैसा लगा है हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो हॉस्टल है ऐसे तो मेरा परमिशन है कि कोई भी आके इस हॉस्टल में रहिएगा नहीं, क्योंकि लीगल नहीं है
यहाँ प्रशासन के अंडर में नहीं है, तो इसमें अलाउड तो नहीं है रहने का। तो मैं जस्ट आपको बता देना चाहता हूँ कि इस हॉस्टल में कोई नहीं आइएगा, क्योंकि ये अनलीगल हॉस्टल है। आपको मैं दिखा देता भूतबंगला हॉस्टल। तो आपको कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट्स कीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। आज भूतबंगला हॉस्टल को देख के कैसा लगा है कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ऐसा ऐसा यूनिवर्सिटी में बहुत जगह है जो हम आपको ब्लॉग के माध्यम से पहुंचाएंगे, बट आपको कैसा लगा ये कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब आज भीमराव अम्बेडकर जयंती भी है, तो फंक्शन भी हो रहा है हॉस्टल नंबर 4 में लगभग। तो वहाँ से देखिए कॉल आता है तो जाएंगे, नहीं आता तो नहीं जाएंगे। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।